लेट अस स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर है ना, दैट इज टिश्यूज, दैट इज टिश्यूज, चैप्टर 6 टिश्यूज। What are tissues? Write down. Tissues are a group of cells. Tissues are a group of cells which perform a specific function. Which perform a specific function and have a common origin. क्या कहने का मतलब है कि जो ये जो टिश्यूज होते हैं, दे आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, विच हैव अ कॉमन ऑरिजिन, मतलब एक ही टाइप के सेल से वो बने होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह से बने होंगे या अलग अलग सेल टाइप से बने होंगे, वो एक ही सेल के टाइप से बने होंगे और उनका फंक्शन जो भी होगा वो सेम होगा, है ना। जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लो, है ना, लिवर टिश्यू हो गया हमारा, तो लिवर में जितना भी सेल है सब मिला के क्या बना रहा है, लिवर टिश्यू। तो सबका ऑरिजिन भी वही लिवर में हुआ, है ना, और सारा का फंक्शन क्या हुआ, सबका सेम हुआ, है ना। मसल टिश्यू मान ले, उसका सेम है, ठीक है। द टिश्यूज हैव अ कॉमन ऑरिजिन एंड दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो टिश्यूज हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद प्लांट टिश्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस गो विद द क्लासिफिकेशन, है ना। तो सबसे पहले जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, दे हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब ये जो परमानेंट होता है, दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, है ना, दिस इज सिंपल टिश्यू एंड इट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपका आ जाता है दो, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी है, एपिकल एंड इंटरकैलरी। सेकेंडरी में आपका आ जाता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी में आपका आता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सिंपल में आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक। कॉम्प्लेक्स में आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं सिंपल के मिक्स एंड मैच से बने होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत होना चाहिए। अब ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका दो तरह का होता है या दो जगह पे पाया जाता है, एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम और एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। नाउ लेट अस टेक अप द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, and let us take up the meristematic tissue. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरह के होते हैं, है ना। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी,
सो प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू आर दोज मेरिस्टमैटिक टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट सिंस बिगनिंग, है ना, हमेशा एकदम स्टार्टिंग से प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ लिखो, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, कौन सा, प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है। अब ये फिलहाल फिर से दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, अभी हमने पढ़ा एपिकल एंड इंटरकैलरी, है ना, एपिकल एंड इंटरकैलरी। तो एपिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड एपिक्स, एपिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड एपिक्स, एपिक्स मतलब कि टिप पे, तो टिप पे जब साइज बढ़ाना होगा या लेंथ बढ़ाना होगा प्लांट का, तो एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू विल कम इनटू प्ले। तो ऑब्वियसली टिप कहाँ कहाँ हो गया, एक आपका शूट का टिप हो गया, एक आपका रूट का टिप हो गया, है ना, एक शूट का टिप हो गया, एक रूट का टिप हो गया। शूट क्या होता है, जो प्लांट का पार्ट सॉइल के ऊपर बढ़ता है दैट इज योर शूट, और जो प्लांट का पार्ट जमीन के नीचे बढ़ता है दैट इज रूट। तो इनके टिप पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टम। तो शूट एपिकल मेरिस्टम आपका शूट का लेंथ बढ़ाएगा ना, शूट टिप का, और रूट एपिकल मेरिस्टम आपका रूट टिप का लेंथ बढ़ाएगा। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब याद रखना, रूट एपिकल मेरिस्टम के ऊपर एक रूट कैप प्रेजेंट होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम के ऊपर रूट कैप प्रेजेंट होता है। रूट कैप क्यों प्रेजेंट होता है, आप सोचिए, ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है ना, ये आपका डिवाइड करता जाता है और आगे बढ़ता रहता है। शूट को बढ़ने के लिए तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपने आप हवा में ग्रो करेगा, कोई उसको चोट कहीं से नहीं लग रहा है। लेकिन जो रूट जमीन के नीचे ग्रो कर रहा है, सॉइल से उसको चोट लगेगा, चोट लगेगा। अगर मेरिस्टमैटिक टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया तो रूट का लेंथ फिर बढ़ेगा कैसे, है ना। तो इसके लिए क्या रहता है, जो रूट रहता है ना, जो रूट रहता है आपका, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, दिस इन दिस एरिया, ठीक है, तो दिस विल बी कवर्ड बाय अ रूट कैप, है ना, कुछ सेल्स होंगे जो आपके रूट कैप बनाएंगे, ताकि आपका जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, जब रूट नीचे ग्रो कर रहा होगा सॉइल के अंदर, तो इसमें डैमेज नहीं हो, है ना, ये सेल्स इंटैक्ट रहे, ताकि रूट का लेंथ हमेशा बढ़ते रहे, ठीक है। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, देयर इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी में आप नोड्स एंड इंटरनोड्स जानते हैं प्लांट का, मान लेते हैं ये एक प्लांट का स्टेम है और यहाँ से इसका ब्रांचेस या लीव्स निकल रहा है, ठीक है। तो जिस जगह से आपका ब्रांचेस या लीव्स निकलता है, उस जगह को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ प्लांट, है ना, उन जगह को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ प्लांट। और इन दो नोड्स के बीच में जो स्पेस रहता है, इनको हम कहते हैं इंटरनोड, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर नोड, ठीक है। तो ये इंटर नोड का लेंथ बढ़ाने के लिए जो मेरिस्टेम यूज होता है, दैट इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक और चीज आ जाओ कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, इनसे ही ये कुछ सेल्स अपना ब्रांच के पास छोड़ देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यहां पे से आपका ब्रांच ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम रहा होगा, जो धीरे 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 करके ब्रांच को इतना लंबा किया होगा, है ना। अब यहाँ से और ब्रांचेस निकल सकते हैं ना। तो ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है, जब ये ग्रो करता है, तो क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अपना टिश्यू यहीं पे छोड़ जाता है, छोड़ इसलिए जाता है ताकि बाद में वहां से फिर ब्रांचेस निकल सके, ठीक है। तो यही जो आपका होता है, दिस इज योर एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड, है ना। एक्सिलरी बड क्या होता है, नोड्स पे होता है, और ये क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो अपना थोड़ा सा पार्ट छोड़ देता है। इसका काम क्या होता है, जब भी आप इसको लगाएंगे तो वहां से आपका न्यू ब्रांच या न्यू लीफ आ सकता है। जैसे कि पटेटो, है ना, पटेटो का आई होता है, आई मतलब क्या, वहां से नया प्लांट निकलता है। आई में ऐसा क्या होता है कि नया प्लांट निकलता है, तो पोटेटो इज द स्टेम ऑफ प्लांट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो स्टेम होता है, ये जो आई है, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट द नोड्स ऑफ द प्लांट, है ना। पोटेटो का आई क्या है, दे आर द नोड्स ऑफ द प्लांट्स। और जब आप इन नोड्स को जमीन पे लगाएंगे, तो इनमें क्या है, इनमें एक्सिलरी बड है, तो ये एक्सिलरी बड ही आपका नया प्लांट बन के निकलता है, ठीक है। तो
तो कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, नया सेल्स बनाना है उनको अल्टीमेटली, है ना। नया सेल्स बनाएगा तभी तो ग्रो करेगा। तो यहाँ पे नया सेल्स कैसे बनता है, बाय एक्सिलरी बड, है ना, नोड्स के पास में। नोड्स के पास एपिकल मेरिस्टम कुछ सेल्स छोड़ जाता है जो कि एक्सिलरी बड बनता है। सो यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट हम आते हैं आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, है ना, या और सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे अपीयर लेटर ऑन इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। ये बाद में किसी प्लांट में आते हैं, ठीक है, तो बाद में आते हैं, तो इनका नाम लैटरल मेरिस्टम इसलिए है बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट। गर्थ ऑफ प्लांट, गर्थ मतलब समझते हैं मोटापा, है ना। उस स्टेम का जब ऐसे लेंथ में ग्रो कर रहे हैं तो प्राइमरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, लेकिन अगर उसका ब्रेथ में इंक्रीज हो रहा है सो लैटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। तो लैटरल मेरिस्टम को सेकेंडरी मेरिस्टम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट अपीयर्स लेटर ऑन इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सिंपल टिश्यूज, आई एम वेरी सॉरी, दिस वॉज ऑल अबाउट योर मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। नाउ लेट अस कम ऑन टू परमानेंट टिश्यूज ऑफ द प्लांट। परमानेंट में लेट अस स्टार्ट विद सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले आपका आता है पैरेन्काइमा, ठीक है। अब डिक्टेटिंग फ्यू स्टेटमेंट्स उसको आप लिखते चलो, है ना। देखो, दीज आर द मेन सेल्स, दीज आर द मेन सेल्स, ठीक है, दीज आर द मेन टिश्यूज ऑफ द प्लांट, है ना। दीज आर द मेन टिश्यूज ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट इन मोस्ट क्वांटिटीज, है ना। सबसे ज्यादा आपका पैरेन्काइमा ही कहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप लिखो, ये जनरली आपका स्फेरिकल टू ओवल इन शेप हो सकता है, दे कैन बी स्फेरिकल और ओवल इन शेप, ठीक है। इनके बीच में देर आर लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, है ना। देर मे बी इंटरसेलुलर, ऐसे लिखो, इंटरसेलुलर स्पेसेस मे नॉट बी प्रेजेंट, है ना। लिखो, मेनली जितना भी ऑर्गन्स होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट मेन ऑर्गन्स पैरेन्काइमा ही बनाता है, दूसरा ये स्फेरिकल से ओवल होता है आपका शेप में, तीसरा इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या हो गया, इंटर मतलब बीच में, सेलुलर मतलब सेल्स में, है ना। तो इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीचों बीच का स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। अब ये जो पैरेन्काइमा होते हैं इनमें एसिड एज सच कोई पिगमेंट या कोई सब्सटेंस का डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। इनका काम होता है, लिख लो, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, है ना, और सिक्रीशन। प्लांट्स का बहुत सारा सिक्रीशन ये हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ये। अगर कोई आपको पैरेन्काइमा का डायग्राम पूछे सो इट इज गिवन इन योर बुक, है ना। ऐसे ऐसे गोल गोल सेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बीच में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस टाइप का पैरेन्काइमा का सेल्स होते हैं, है ना। तो लेबल कर दे रहा ओवल सेल्स, ठीक है, एंड दीज आर इंटरसेलुलर स्पेसेस। कभी भी डायग्राम बनाओ नीचे में लिखना पैरेन्काइमा, है ना। कोई भी डायग्राम अगर आप बनाते बाय
बायोलॉजी में, तो हमेशा याद रखिएगा नीचे में उसका लेबलिंग जरूर करिए, है ना। तो दिस इज पैरेन्काइमेटस टिश्यू। This is parenchymatous tissue. So this is all about parenchyma. Now let us see about sclerenchyma. I'm very sorry. Now let us see colenchyma. कोलेनकाइमा जो आपका होता है, दिस इसमें आपका दे आर पॉलीगोनल सेल्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, दे आर पॉलीगोनल सेल्स, राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस, दीज आर एब्सेंट, है ना, दीज आर एब्सेंट। उसके बाद इसमें आपका डिपोजिशन होता है, कोलेनकाइमा में यू हैव डिपोजिशन ऑफ सेल्युलोज, हेमी सेल्युलोज एंड पेक्टिन, है ना, एट द कॉर्नर्स ऑफ सेल, कॉर्नर्स ऑफ सेल, सेल के किनारे पे आपको सेल्युलोज, हेमी सेल्युलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन मिलता है, ठीक है। इसका फंक्शन लिख लो, है ना, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, उसके साथ स्टोरेज भी कर सकता है, उसके साथ आपका फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, उसके साथ आपका फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलेनकाइमा। एक डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया है, काफी सुंदर सा डायग्राम दिया है, है ना, पॉलीगोनल सेल्स बनाए हैं ऐसे, है ना, ऐसे करके पॉलीगोनल सेल्स बनाए हैं आपको, बट दे डोंट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेस याद रखना, सेल्स के बीच में नहीं बनाना, ठीक है, दे डोंट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, और सेल्स के किनारे में आपका ऐसे डिपोजिशन होता है, किस चीज का डिपोजिशन होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन का डिपोजिशन होता है ना, किनारे किनारे सेल्स के किनारे पे आपका सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, लेबल कर लेना अच्छा सा, वेल लेबल डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, दैट इज फिगर 6.4 में, सो देख लेना उसको। अच्छा, उसके साथ याद रखना, पैरेन्काइमा में भी बताने भूल गए, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, दीज बोथ आर लिविंग टिश्यूज, है ना, दीज बोथ आर लिविंग टिश्यूज। जो इसके नेक्स्ट वाला व्हाट वी विल सी, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा, दैट इज अ टाइप ऑफ डेड टिश्यू, ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ डेड टिश्यू। सो लेट अस राइट डाउन नाउ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, सो स्क्लेरेनकाइमा में सबसे पहले आप लिखिएगा कि दे आर डेड टिश्यूज, है ना, ये मरे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो, इनका इकलौता ही एक फंक्शन होता है, दे आर डेड टिश्यूज लिखो, उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ देम इज द सपोर्ट ऑफ प्लांट, है ना, सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
ठीक है, जैसे कि जो प्लांट का बार्क देखते हैं, ब्राउन पार्ट देखते हैं, दैट इज द नॉन लिविंग टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, है ना। कोकोनट में देखे होंगे आप, हस्क लगा रहता है, बाहर का जो कड़ा पार्ट होता है, जो भी वो सब होता है ना, दैट इज योर जो एकदम कड़ा पार्ट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, दैट पार्ट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट लिखो, स्क्लेरेन्काइमा में यू गेट द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, है ना, एक केमिकल का डिपोजिशन आपको मिलता है, दैट इज लिग्निन। याद रखना, इट हैज गॉट वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज, इट हैज गॉट वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज। ठीक, यही तीन चीज आपको स्क्लेरेन्काइमा में याद रखना है। सो यहाँ पे हम अपना सिंपल परमानेंट टिश्यूज खत्म करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका दो होते हैं, जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, पढ़ाते भी जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जाइलम का कंपोनेंट से। जाइलम हैज गॉट फोर कंपोनेंट्स, जाइलम वेसल्स, xylem tracheids, xylem fibers and xylem parenchyma, ठीक है, these are the four components of xylem। complex हम क्यों बोल रहे हैं, because it will be made up of different types of tissues। phloem के ऊपर आते हैं, phloem is made up of sieve tube elements, sieve tubes, companion cells, लास्ट का दो दोनों में सेम होता है, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। सो दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम रेस्पेक्टिवली। अब याद रखना कि ये जो जाइलम होता है उसमें से ओनली पैरेन्काइमा इज लिविंग टिश्यू, बाकी का थ्री आर डेड, बाकी का थ्री आर डेड, है ना, बाकी का थ्री आर डेड। तो आप बताओ, डेड होगा तो किससे बना होगा, किससे बना होगा, स्क्लेरेन्काइमा से, और ये तो पैरेन्काइमा है, ठीक है। इधर आता है सीव ट्यूब्स में, फ्लोएम में उल्टा होता है, ओनली वन इज डेड, ओनली वन इज डेड, रेस्ट थ्री आर लिविंग। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा, इनको मिला के हम बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये दोनों मिला के आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम बनाते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये, ठीक है। तो अब फंक्शन पे आते हैं जाइलम का, जाइलम का फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना, देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड आयंस, ठीक, फ्रॉम सॉइल, अच्छा वो छोड़ो, पहले इसको सेकेंड पॉइंट नहीं लिख लो, इसका लिखो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑलरेडी मेड फूड, है ना, ब्रैकेट में लिख लो सेल्स आप मत लिखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, है ना। तो जाइलम क्या करता है, आपका पानी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और फ्लोएम जो होता है वो आपका बना बनाया खाना को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट लिखो, जाइलम में ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, है ना। और फ्लोएम में लिखो, ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज बाईडायरेक्शनल, है ना, ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज बाईडायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल। तो बाबू इसका मतलब क्या होता है ना, लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे जाइलम है वो पानी आपका सॉइल से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा, तो बस उसी डायरेक्शन में करता है इसीलिए, और फ्लोएम में इसलिए होगा, खाना आपको लीव्स से रूट तक भी जाता है और फिर वापस मतलब इधर उधर भी जाता है, लोग ऐसे सोचते हैं, बट इट इज नॉट दिस, है ना। फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल क्यों होता है, ध्यान से समझना, जब नॉर्मल सीजन होता है ना, जब प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है, तो सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड बनता है,
ठीक है, तब सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड बनता है। तो प्लांट क्या करता है, जितना यूज किया किया, बाकी का चीज, बाकी का फूड वो अपने स्टोरेज ऑर्गन्स में जाके रख देता है। जैसे कि कैरेट, कैरेट का रूट क्या करता है, फूड स्टोर करता है ना, उसी को तो हम खाते हैं, ठीक है। तो जब आपका कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है और सरप्लस फूड का प्रोडक्शन होता है, तो प्लांट फ्लोएम से, मान लेते हैं हम लीव से फूड कैरेट में रूट तक उसको फूड स्टोर करने के लिए भेज दिया, ठीक है। जब फ्लावरिंग होती है ना, जब फ्लावरिंग होती है, तो याद रखना फ्लावरिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। फ्लावर आपका क्या काम आता है, रिप्रोडक्शन के काम आता है। तो रिप्रोडक्शन इज एन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस, उसमें काफ़ी एनर्जी लगती है। तो उस समय आपका एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो कम पड़ने लगता है फॉर फ्लावरिंग। तो इस टाइम स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो भी फूड स्टोर किया हुआ है वो वापस फ्लावर, मतलब फ्लावरिंग के लिए वो वापस वहाँ से उठ करके मतलब फ्लावर तक पहुंचने लगता है। तो आप सोचो, जब स्टोरेज होने के लिए हुआ तो लीव से रूट तक गया, है ना, अब जब फ्लावरिंग का टाइम आया तो रूट से निकल करके फ्लावर्स तक आया। इसीलिए द ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, याद रहेगा। अब याद रखना कि इसीलिए जब भी कोई मतलब कि कैरेट या रेडिश ये सब का खेती होता है ना, तो फ्लावरिंग करने के पहले ही प्लांट को काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग होगा तो सारा का सारा फूड खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे, है ना। तो याद रखना, हम अपना फूड नहीं बनाते, वी आर कंज्यूमर्स, हम प्लांट्स का बना बनाया खाना चुरा के खा जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फ्लावर। अच्छा, एक और चीज, ये जो हम बताएं, ये चारों एलिमेंट्स जो रहते हैं ये आपके एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, है ना। दीज आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर तो एलिमिनेट हो गया है, तो बस नाम याद रख लो, है ना। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन प्लांट्स में फ्लावर लगता है उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। एक और तरह के प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में आपका फूल नहीं लगता है ना, जिम्नोस्पर्म्स, GYMNOSPERMS, जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें आपका फूल नहीं लगता है। तो जिम्नोस्पर्म्स में आपका ये एब्सेंट होता है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। ये जो ट्रेकीड्स होते हैं ना, दिस इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, ये जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होते, बाकी के तीन एलिमेंट्स ही होते हैं। उसी तरीके से फ्लोएम में आपका जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होता है, है ना। सीव ट्यूब के बदले आपका सीव सेल्स प्रेजेंट होता है, और कंपेनियन सेल्स के बदले albuminous cells present होता है ना। This is an extra edge question, ये कभी आएगा नहीं, लेकिन जान लीजिए, ठीक है, कि gymnosperms में xylem में tracheids नहीं रहता है, और phloem में gymnosperms में, है ना, sieve tubes और companion cell नहीं रहता, और इनके बदले में आपका sieve cells और albuminous cells रहते हैं, ठीक है। So this is all about your complex परमानेंट टिश्यूज। थोड़ा सा स्टोमाटा बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विथ एनिमल टिश्यूज।